के आला अधिकारियों पर मनमानी पड़ी भारी। रीवा न्यायालय के फैसले के बाद चीफ इंजीनियर सहित अधीक्षक यंत्री और कार्यपालन यंत्री की गाड़ियां हुई खुद। ठेकेदार का करोड़ों रुपए बकाया है। विभाग पर कई सालों से चल रहा था मुकदमा। ठेकेदार का भुगतान ना करने पर रीवा न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री और चीफ इंजीनियर के वाहनों को कुर्क कर लिया है। ठेकेदार का 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान बाकी है, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया था। लंबी लड़ाई चली, न्यायालय में काफी दिनों तक मुकदमा चला, उसके बाद ये फैसला आया था। ठेकेदार का भुगतान किया जाए, यही नहीं लोक निर्माण मंत्री सहित भोपाल में बैठे सभी बड़े आला अधिकारी, ईएनसी सहित तमाम लोगों ने रीवा के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था इनका भुगतान कर दिया जाए, लेकिन लोक निर्माण विभाग रीवा के चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित तमाम जिम्मेदार लोगों ने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते ठेकेदार ने रीवा कोर्ट में अपील लगाई थी। कोर्ट ने आज 3 बड़े अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क कर लिया है। कॉन्ट्रेक्टर, मेरा काम 2009 में हनुमाना बहरी मार्ग का पूरा हुआ था, जिसमें 1,20,000 रुपए का भुगतान था। भुगतान मेरा 50 लाख किया गया, 50 लाख रुपए मेरा मेजरमेंट काट दिया गया। अधिकारियों की अनुचित मांग मैंने नहीं पूरा किया तो मेरा मेजरमेंट काट दिया। मैं उसके बाद एनसी ने मेरे फेवर में ऑर्डर किया कि इनके सवियर रेडियो एक ऊपर मिसलिनेट डाल के भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया, मुझे मजबूरन न्यायालय आना पड़ा। न्यायालय ने 12-13 साल मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया और डिग्री पारित की 8/4/21 को 1,08,03,311 रुपये 111 रुपये इनका भुगतान किया जाए। तो इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया और इसकी अपील उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग थी। हमने भुगतान के लिए कहा तो आजकल करते रहे, मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को भी आवेदन दिया, माननीय मंत्री जी ने पीएस को, एनसी को ऑर्डर किया इनका भुगतान किया जाए। और वहाँ से एनसी का लेटर चीफ इंजीनियर ऑफिस में आया और यहाँ ई लेवल में, एसी लेवल में दबा दिया गया। अब भुगतान मेरा नहीं किया गया। जब मेरा भुगतान नहीं किया गया तो मैंने अपने रीवा न्यायालय में इजराय लगाया और इजराय में उसका कुर्क की वारंट जारी कर दिया। पहले तलवाना 29/8 को जारी किया और उसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया तो 5/9 को कुर्क की वारंट जारी कर दिया। अब कुर्क की वारंट जारी करने के बावजूद भी ये भुगतान जब नहीं हुआ तो आज कुर्की के नाजिर जो यहाँ के कोर्ट के आदेश के तहत चीफ इंजीनियर की, एसी की और ई की गाड़ी कुर्क कर लिया।